चलो शुरू हो जाओ See, that is not important. Important is that I have done a show for Colors and to show what logo ko pasand aaya. And I'm here because I'm thankful to them. They gave me such a big opportunity. Itna bada show tha. So I'm there. I'm here to support them actually more than anything. Agle season ke liye contestants ka pehle number host kar rahe hain to hum aayenge. Kyun log aur ye lag raha hai aapki kya tayariyan hain? सिंगम ब्रिटेन तो अभी रिलीज हुई है तो अब सीजन के लिए तैयारी इनफैक्ट शुरू होगी कल परसों से सो अभी थोड़ा वक्त है जैसे जैसे थोड़ा सस्पेंस का बिल्डअप होने दीजिए करना भी चाहता हूँ शो हिट हो गई वो शो हमेशा चलता है एंड बहुत सारे फैक्टर्स हैं सलमान इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स एंड मज़ा आया मैंने सीजन 5 का भी शूट किया था प्रोमोस फिर कई उसके बाद मुझे वक्त नहीं मिल पाया एंड फिर ऐसा हुआ कि जब सीजन 8 की बारी आई कॉन्सेप्ट अलग था सो दे वांटेड मी टू डू द शो टू डायरेक्ट द प्रोमोस सो इट वाज ग्रेट फन वर्किंग विद समवन अरे मैं नहीं बता सकता आप सलमान से पूछिए यू फील गुड मोर देन एनीथिंग आप मेहनत करते हैं आपको मजा आता है लोग मिलते हैं अवार्ड मिलता है तो ऑब्वियसली यू फील गुड थैंक यू सॉरी समझा नहीं ये मुझे अपनी हर फिल्म में ले रहे हैं इन्होंने डिसाइड कर लिया चलो बाय 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 आज भी है तो ट्रेडिशनल ड्रेस में लेकिन हाँ आज थोड़ा सेल्फ डिजाइन ड्रेस है मेरी आई वांटेड टू गो ऑल ब्लैक बिकॉज़ मैं कभी ब्लैक में कभी कभी होती हूँ इट्स अ लहंगा बेसिकली जो मैंने ऊपर शेयर किया है डिजाइन बाय माय ओन पर्सनल डिजाइनर एंड बाकी जो ज्वेलरी है आई हैव केप्ट इट सिंपल येट वेरी एलिगेंट
देखिए मेरे लिए आज की शाम उस बंदे की याद दिलाती है जो हमारी कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स का बहुत बड़ा पिलर था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, और उसकी वाइफ ने उसकी याद में ये अवार्ड अलाइव रखा है। और आई एम शुक्रगुजार हूँ मैं कि ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस शो के, जिन्होंने इस अवार्ड को देने का जो सिलसिला जारी रखा है, वो जिसकी याद में ये अवार्ड है, वो हमारा बहुत कीमती डायरेक्टर था गैरी करके, ये अवार्ड उस डायरेक्टर को दिया जाता है जिसका काम अप्रिशिएट होता है और गैरी के नाम पे देते हैं। इसलिए बहुत खुशी है कि मैं इस अवार्ड को देने के लिए यहाँ आया हूँ। थैंक यू। ओह अरे बाबा, अरे फोटो लेना मगर देखना मैं इससे सुंदर लगना चाहिए। शी शुड नॉट लुक बेटर देन मी। से हमारे उम्र में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। शी इज द स्वीटेस्ट, शी इज अ डॉल, शी इज माई जान। ओके बाय। खास है बिकॉज लास्ट ईयर मुझे अपने प्रीवियस शो जीनी जूजू के लिए अपना बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था, और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी बिकॉज पहली बार मैंने अपने लाइफ में कॉमेडी अटेम्प्ट किया था, सो आई गॉट द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर दैट। सो दिस अवार्ड फंक्शन इज रियली स्पेशल। नहीं, मैंने कोई खास तैयारी नहीं की, आई जस्ट गॉट ड्रेस्ड एंड आई केम। इट्स एन इंडियन अटायर एंड I chose because I have chosen this color because I have not worn this before. वो मुझे वो depend करता है मुझे अंदर कौन मिलेगा उस पे। Thank you. शायद किसी ने पागलपन करके मुझे भी अवार्ड देने का कुछ सोचा होगा, आई होप। ऐसा कुछ है नहीं, पर वो होप तो रहेगा ना, अगर उम्मीद नहीं है तो मिलेगी ही नहीं कुछ, राइट? इंडियन टेलीवोज में कुछ नया देखने के लिए, हाँ ऐसा कुछ शायद है, शायद कुछ हो सकता है। हिंट, शायद एक कागज़ होगा और मैं किसी को दूंगा शायद, या फिर कागज को खुद रख लूँगा अवार्ड किसी को देने को, शायद ऐसा कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि पब्लिक का अप्रिशिएशन, अगर आप मुझे पूछें तो जो मुझे अप्रिशिएशन मिलता है, जो मुझे लोग आके एवरीडे बात करते हैं, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, नॉट अवार्ड। इसलिए मेरे पास एक भी अवार्ड नहीं है अभी तक। आज कुछ नहीं मिलेगा, थैंक यू। यस, आप अपने फोन में सबसे ज्यादा कौन सा ऐप यूज करते हैं? ऑफ कोर्स
I'm very excited, and whoever is going to win, because I'm center, I already would like to congratulate, and definitely some awards I am going to personally give. So I wish to give some handsome boys over there who works for Colors. So I think it will be a lot of fun. Pardon me? I think everyone will be there. I think it's your tele awards, so what do we expect? I think everyone from the channel and all the stars, actors, actresses, all the beautiful people around in the film industry will be definitely there. Okay, Claudia, just be yourself, enjoy, because it's a fantastic reality show, and I think, you know, every year it is going better and better, and every year more and more people are watching it, so I think it's one of the most popular reality show, and whoever is going to enter Big Boss this year, Big Boss 8-8, so I think it will be just rocking, and I'm just dying to watch it, and of course 24th September I'm going to be in front of my TV. Thank you so much. Thank you so much. बढ़िया है आप बताइए और कितना लूज करोगे नहीं जल्दी आप सबको बोलते हो ना बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो कोई बात नहीं अगर अच्छे नहीं लग रहे तो बोलना जरूरी नहीं है अच्छा आपने कर दी बहुत थैंक यू देखो मैं अभी अभी अपने सेट से आई हूँ कोई तैयारी नहीं की वही मेकअप था यही हेयर था बस कपड़े पहन के आ गई धमाल मस्ती अंदर बहुत ज्यादा होने वाली है आप लोग देखो आपको पता चलेगा बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट्स है एंड आई रियली हैव नो क्लू अबाउट द नॉमिनेशन सो आई कांट से एनीथिंग आई एम जस्ट हियर टू अटेंड आई डोंट नो हु एल्स इज कमिंग रेडी फादिक सर इधर इतने दिनों बाद दोनों साथ में साथ वो साजिश को के हाथ आए हैं आप ही बता आपने गिनती तो किए ही होंगे मैं आपको मैसेज कर करके तो दी हूं आपको बताया फैंस मत करो ना थक गई हो तो बंद करो फैंस के लिए बहुत बड़ा ट्रीट है पहले फैंस को हाय कर दीजिए कि साथ में हाय हाय एवरीवन फॉर बीइंग सो लेट Sorry for not giving you all an interview together for really long. But what to do? Okay, किस्मत कहेंगे दोनों फिर. Good. Bollywood style. Okay, ये बताइए फोन पे ऐप बहुत होते हैं आप लोग सबसे ज्यादा ऐप कौन सा यूज करते हैं सोशल ऐप छोड़ के What? कौन सा इंटरेस्टिंग ऐप है आपके या तो कैंडी क्रश या पिंटरेस्ट आजकल हर कोई 50 से 60% अपना दिन ना फोन
नहीं यार कोई एक्टिंग शेड्यूल नहीं, टेली टेली अवार्ड्स के लिए कोई एक्टिंग शेड्यूल नहीं यार, उन्होंने बुलाया बस आना ज़रूरी था। कौन सा वाला आपका? कोई भी। आप आ जाओगे फाइन। मैं आंसर को आ गया यार, अच्छी चीज़ आया मैं। तो फिर आपके साथ रिश्ता मिसिंग लग रही है यहाँ पे, आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है? तो रिश्का बिजी है शूट करने में, वो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम नहीं निकाल पाई। तो मैसी आ गया, मैसी भाई दादा आपको पता है कि नहीं, मुझे हम लोग नॉमिनेटेड है यार, हम लोग बेस्ट कोरियोग्राफर्स के लिए कैटेगरी में नॉमिनेटेड है। सो या सो वी बोथ आपका। तो फिर मतलब तब क्या कहना चाहेंगे, आप लोग नॉमिनेटेड हो और इसके बाद फिर आपका नाम आना चाहिए कि आपसे भी अच्छे खासे ऐसे कोरियोग्राफर्स हैं लाइन में? या आई नो, मतलब हमारे जो गुरु हैं वो खुद हैं वो। हाँ एग्जैक्टली, जो हमारे गुरु हैं वो खुद है सुमित सर, विनोद सर, तो हमारे लिए उनके साथ नॉमिनेट होना ही बहुत बड़ी बात है। सो वी आर एक्साइटेड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। समथिंग अबाउट फैंस, समथिंग अबाउट फैंस, अरे फैंस तो मतलब आप ही की वजह बदौलत हमें नॉमिनेशन मिला है, फिर आप लोग ने जो मोटिवेशन दिया था उसके वजह से हमने कोरियोग्राफी की है। तो स्टार्ट किया उसको। हाँ तो आप भी वो कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए, कंटिन्यू करिए। नहीं थैंक यू सो मच यार, आपकी वजह से आपकी बार से हम लोग नॉमिनेट हुए। लेट्स सी हाउ इट गोज, लेट्स सी हाउ इट गोज। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर होता तो आपसे हम तारीफ करवा लेते। थैंक यू सो मच, एंड मेरी सिस्टर ने मुझे रेडी किया, सो क्रेडिट गोज टू हर। यू नो आई थिंक आपका ही दिमाग होता है हमारा, हम दोनों ही लगे रहते हैं, जो चीज़ अच्छी लगती है मैं उठा लेती हूँ, जो चीज़ इसको अच्छी लगती है ये उठा लेती है। तो आई थिंक हम दोनों ही हैं, वी आर द ओनली डिजाइनर फॉर एनी ओकेजन। इसीलिए तो इसको ऐसे ड्रेसअप किया है मैंने कि ताकि ये अलग दिखे आज, मतलब लोगों ने कुंती को एक बहुत खूबसूरत, वो अलग ही एक अवतार है और एक ये अवतार है शफ़क कम कुंती का। तो आज इसको ऐसे रेडी किया है। थैंक यू। फर्क अभी प्लाजो गाउन पहना हुआ है, बहुत ब्लिंगी ब्लिंगी है, गोल्डन गोल्डन गोल्डन, और ये टाई एंड डाई, सो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एक्चुअली मिक्स एंड मैच किया, कुछ भी डिसाइडेड नहीं था कि ये पहनूंगी वो पहनूंगी, सो मैंने सिर्फ पहले ड्रेस पिकअप की, फिर उससे अपनी ज्वेलरी को मिक्स एंड मैच किया। और हाँ आप कह सकते हैं मिक्स एंड मैच, बहुत टाइम टेकिंग तो नहीं था क्योंकि शूट के दौरान इतना टाइम ही नहीं मिला, बट हाँ तैयारी तो की है। परफॉर्मेंसेस हाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स परफॉर्म कर रहे हैं, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं नॉमिनेटेड भी हूँ, सो एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा है। आई होप मिल जाए, बट हमें से कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, सो लेट्स सी। ये फैंस वोट पे डिपेंडेंट था एंड तो मैंने फैंस को डेफिनेटली पी थी कि वो मेरे लिए वोट करें, एंड डेफिनेटली ट्वीट भी किया था, सो आई जस्ट होप लेट्स सी। Thank you.
ये भाई पहला है ना जनता वाइड ले लो खास तैयारी के साथ आज आप बात करते हैं।
कोई खास तैयारी नहीं की, आई स्वेयर जो सामने मिला उठा के पहनूंगी, कोई खास तैयारी नहीं की। मैं कल ही दुबई से वापस आई हूँ, नो खास तैयारी एट ऑल। इस जमाने में मेरा जमाने में अब मेरा के बारे में बनना पड़ना चाहिए जो आने के लिए बार-बार स्कैंडल में चली जाती थी। अभी आप सॉरी नो कमेंट। अच्छा क्या सुन ली कितना एंजॉय करने वाली अंदर जाके क्या करने वाली। आई डोंट नो, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड चली। हर साल बहुत एंजॉयबल एक्सपीरियंस रहता है। इस बार पहली बार मुझे नॉमिनेशन मिला है, सो साथ में मॉम भी आई है। I know Riley is hoping her daughter might win, but let's see. It's fingers crossed, and I'm gonna have lots of fun. I'm gonna bet. Sorry, I'm asking very unrelated questions to the event. Anything to the event, I'm happy to answer. अभी हम लोग सब दुबई में एक साथ ही तो थे, और सच में मेरा पति है मिला भी, मैं जो उसको मिस कर रही हूँ यहाँ पे। अरे बात होती है। अरे शॉर्ट्स विजय रेडी है।
सबको बोलते हो ना, सबको बोलते ना, बहुत ही खूबसूरत लग। अच्छा आपने कर दी बहुत, थैंक यू वेरी मच। देखो मैं अभी कर करके आपको बताया, फैंस तो मत करो ना, थक गए हो तो मत करो, फैंस के लिए बहुत बड़ा ट्रीट है, पहले फैंस को हाय कर देना। सो आई जस्ट वांटेड ओके, क्या तारीफ करना चाहेंगे इनकी, सुनाया हैं आप लोग सबसे ज्यादा ऐप कौन सा यूज करते हैं, सोशल ऐप छोड़ के व्हाट, कौन सा इंटरेस्टिंग ऐप? मैं या तो कैंडी क्रश, कितना टाइम तक तो मिलते हैं उसमें, कैसे चैट करते हैं। हेलो बिल्कुल मैंने कोई तैयारी नहीं की है, मैं अपने सेट से यहाँ आई हूँ। नो जेन्युइनली मैं परफॉर्म कर रही हूँ, आई एम परफॉर्मिंग ऑन कमली और मैं नॉमिनेटेड भी हूँ, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ नॉमिनेशन के लिए भी और परफॉर्मेंस के लिए भी। ऑफकोर्स एक एक्टर के लिए अवार्ड्स बहुत मायने रखते हैं, ये अप्रिसिएशन है, हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, हम 12-12 घंटे रोज़ शूट करते हैं, सिर्फ मैं नहीं सारे टीवी एक्टर्स, तो अगर हमें उसकी अवार्ड्स मिलते हैं, उसके रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। क्यों, हम मैचिंग है इसलिए, मैचिंग है। एक ही मेकअप का सामान लेकर, एक ही मैं अपना मस्कारा लेकर जाऊँ, कमी लिपस्टिक। ओके, आजकल हर कोई 50-60% अपना दिन का फोन पे बिताना है, आपके फोन, अच्छा 90% आपके लिए, तो आपके सबसे फेवरेट ऐप कौन सा है, एक्सक्लूडिंग सोशल नेटवर्किंग, आप सबका फोन निकाले? मेरा फोन हमेशा मेरे हाथ में रहता है, जैसे कि आप देखते हो। एक शॉट ले ले खाली, दो जनता बाइक कर ले। अच्छा लेट तो जनता जन आया, आप कितने चल रहे हो? चलो हाँ, आज थोड़ा सेल्फ डिज़ाइन ड्रेस है मेरी, आई वांटेड टू गो ऑल ब्लैक, बिकॉज मैं कंप्लीट ब्लैक में कभी कभी होती हूँ। इट्स अ लहंगा बेसिकली जो मैंने ऊपर शेयर करा है, और इट्स डिज़ाइन बाय माय ओन पर्सनल डिज़ाइनर, एंड बाकी जो ज्वेलरी है आई केप्ट इट सिंपल येट वेरी एलिगेंट। आप लोग को अलग लग रही है इसके लिए, थैंक यू सो मच। उसको वैसे ही अवार्ड मिल जाएगा, शी इज अटर क्यूट, शी इज अ क्यूटनेस बॉम्ब, सो आई एम वेरी श्योर अगर रूही है, अगर वो नॉमिनेटेड है, तो उसको अवार्ड 100% मिलेगा। रूही सुपर है पाउटिंग में, इसी में उससे सीख रही है थोड़ा थोड़ा, आई ट्राई, मुझसे नहीं होता उतना। मैंने सुना है कि मेरे दो में नॉमिनेशन है, ऐसा सुना है, मैं एक बेस्ट एक्ट्रेस तो है ही, बेस्ट जोड़ी का जोड़ी के लिए भी है, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा पता नहीं, तो जब दो का नॉमिनेशन तो मैं चाहूँगी कि चार तो घर लेके ही जाओ, यू नो, एक आध तो क्रिटिक कैटेगरी में मिल जाना चाहिए। अच्छा कितनी तैयार हुई, कितनी तैयारी चाहिए आज ब्लैक, आज बहुत कम टाइम में तैयार हुई है, बोलेंगे कि ब्लैक ब्लैक है, आज बहुत कम टाइम में तैयार हो गया, क्योंकि जरा भी वक्त नहीं था, शूटिंग कर रही थी एंड वहाँ से जैसे तैसे भागी हूँ, डबिंग था, री शूट था, लॉट्स ऑफ वर्क वाज़ देयर, बट दिस इज़ अ ड्रेस विच आई गॉट डिज़ाइन फ्रॉम माई ओन पर्सनल डिज़ाइनर, इट्स अ ब्लैक, परफॉर्मेंस तो नहीं करने,
साथ में कर लेते हैं, साथ में कर लेते हैं। तो फिर दीपिका मुझे बताया कि आई नो शी इज वेरी सीनियर एंड वेरी गुड, आई लव हर, मैं अपना शो देखना देखो ये है मोमेंट तो जरूर लेंगी, यू जस्ट मेड माय डे, ये व्हाट था मेरे लिए भाई, ऑनेस्टली तुमसे जैसा बनने के लिए मुझे हमेशा बोलते हैं विजय सर हाथ हिलाओ, सबने मेरा क्या, हाँ सबने तो मैं लिपस्टिक लेकर जाऊंगी क्यों ले लो ना आप, अगर अगर मुझे किसी आइलैंड पे छोड़ है गूगल दिखा दूं ओके वेल आई एम नॉमिनेटेड सो किया है बाल बनाए हैं और साड़ी पहने आ गए हैं तैयारी क्या करनी है वी हियर टू एंजॉय दी इवेंट सो वी आर लुकिंग फॉर वेरी गुड परफॉर्मेंसेस एंड ऑल साड़ी क्यों नहीं आई थिंक हिंदुस्तानी औरत सबसे सुंदर साड़ी में लगती है तो साड़ी ये कुंदन का पीस है डिज़ाइन बाय माय डिजाइनर रीना चोपड़ा एंड शी फेल्ट कि ये इस लुक के साथ काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रही है सो आई होप आई लुकिंग गुड क्या तैयारी है बस शूट खत्म की है अंदर जाके तैयारी पता चलेगी नहीं यार दो नॉमिनेशंस हैं तो पता चलेगा अगर कुछ मिलता कि नहीं मिलता अंदर जाके पता चलेगा नॉमिनेशन कौन है ये बताओ पहले एक अप्रिसिएशन होती है यार जो जनता की तरफ से मिलती है तो इम्पोर्टेंट तो होता ही डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है व्हाट्सएप यार व्हाट्सएप सोशल को हटा के मैं इतना यार मैं फ़ोन पे फ़ोन कर सकता हूँ फ़ोन रिसीव कर सकता हूँ मैसेज कर सकता हूँ एक व्हाट्सएप होता है एक ट्विटर है अब सोशल को हटा देंगे तो ट्विटर भी सोशल में ही आएगा तो अब बाकी कुछ नहीं है बाकी सब सेम आई होप आपने बहुत सारे वोट किए और मिल गया तो पहले पहले आई लव यू वैसे भी आई लव यू नहीं करते गलत बात है करना चाहिए तो आज के लिए क्या कुछ खास है गौतम के लिए क्या कहना यार खास तो यही है परफॉर्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि शूटिंग बहुत भारी चल रही है परफॉर्म नहीं कर रहा वैसे गौतम ये कहेंगे कि फरस के ऊपर जो पिंक पिज़्ज़ा मैं जी ले लो आज आपकी ये जैकेट का क्या राज है वाह छह जगह बोल चुका हूँ सातवीं जगह आपको बोलूंगा ट्रॉपिक का कलर मैच करता है मेरा जैकेट मैंने इमेजिन किया था ये कलर होगा इसमें ओके इसका मैचिंग है भांगड़ा कर सकते हाँ आइए शॉट लीजिए हमारे नीचे से शुरू कीजिए और ऊपर तक जाइए फेस तक तो प्रॉब्लम नहीं बता सकते आप लोग ये भाई साहब नीचे से ले रहे हैं और ऊपर तक जा रहे हैं आपके लिए स्माइल करूंगा मैं बाकी भी ले चुके हैं जरूरी होता है हो गया आप ही हैं How are you? I'm good.
आज की शाम मेरे लिए इसलिए खास है क्योंकि इंडियन टेली अवार्ड्स और आज मेरा ऑफ था, तो आज मैंने बहुत एंजॉय किया है, कैरोकी किया घर पे, खूब गाने गाए हैं और आज मैं फाइनली एक शो देखने आई हूँ जिसमें बेहतरीन परफॉर्मेंसेज मुझे देखने को मिलेंगी और बहुत ही अच्छे नॉमिनेशन हैं मेरी कैटेगरी में। मैं बहुत मतलब काफ़ी बेहतरीन अदाकाराएँ हैं जो भी जिनके साथ मैं नॉमिनेशन में हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि मुझे अवार्ड मिलेगा या मेरी बिल्कुल भी सोच नहीं है कि आज मुझे अवार्ड मिलने वाला है। मैं बिल्कुल काम हूँ, मुझे पता है कि मुझे नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मैं अपनी रियल लाइफ में बहू बन गई हूँ, तो इसलिए अब आपको बिल्कुल बहू की तरह नहीं दिखती हूँ। नहीं बहुत जोक का बात, थोड़ा सिंपल है और इजी टू वेयर है, कंफर्टेबल है, दैट्स व्हाई मैंने ये पहना है। रोहित ने तारीफ की कि अरे वो तो मेरी तारीफ करते रहते हैं, उनकी वजह से मैं इतनी हंसती रहती हूँ। से बहुत स्पेशल होती है सारे टीवी एक्टर्स के लिए और मेरे लिए भी स्पेशल है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लोड्स एंड लोड्स ऑफ गुड परफॉर्मेंसेस एंड अवार्ड्स। वही कुछ खास तैयारी तो नहीं किया, आई एम ड्रेस वेरी सिंपली एंड शूट से सीधा यहाँ पे आ रहे हैं तो तैयार होने का मौका नहीं मिल पाया, बट ऑब्वियसली रेड कार्पेट में वॉक करना है तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ ग्लिटरी ग्लिटरी होना चाहिए, तो आई वॉन्ट अ ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन विच गोज विद ऑल। आपकी तारीफ करने वाले आपके साथ नहीं आए हैं, साथ में लाने चाहते थे आप, साथ में लेकर आती हूँ उनको। साथ में इसलिए नहीं आए क्योंकि वो काम में बिजी हैं, मैं थोड़ा जल्दी फ्री होगी इसलिए। बूम ले गया, बूम बूम आप लोग आ गए, उससे ज़्यादा खास क्या हो सकता है। हाँ यार कपड़े वपड़े पहन के रहा हूँ। मोहित बहुत ज़्यादा मतलब आपको घूमते हुए देखा कि सेल्फी वेल्फी अपलोड कर रहे हैं, तो यार ट्रैवलिंग यूरोप यार टुमारो टाइम। तो फिर अभी अवार्ड के लिए क्या कहना चाहेंगे, मतलब कलर्स का भी है और आपके मतलब तो मैं बैक स्टेज को देखते हुए सॉरी फ्रंट स्टेज को देखते हुए लूँगा आज। तैयारियाँ बहुत की है क्योंकि बहुत दिन के बाद अवार्ड शो में आया, कि जहाँ पर हम शूट करते थे वहाँ से मिल नहीं पाता था एक्चुअली, टाइम निकाल नहीं पाते थे, तो तैयारियाँ तो वैसे ही सिर्फ गौर से प्रे कर रहे कि अच्छे से हो जाए सब। मैं परफॉर्म नहीं करने वाला हूँ क्योंकि बस ऐसे।
आज आ गए बड़ी बात का टाइम शूट कर रहे थे, बस मिल रहा है क्या फूल बस तैयार हो गया है, मजा आ रहा है। आज कुछ मस्ती नहीं होगी क्योंकि आज अवार्ड है, सब पैकअप के बाद होगा। कितने करोड़ जीते प्रताप और रजत ने, मतलब एकदम डिफरेंट ही रूप है, एकदम डिफरेंट ही अवतार में नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मतलब अजब की बहुत प्रिटी लग रही है, तो मतलब क्या कहेंगे? मुझे तो कुछ सेलेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, जो था मैंने बोला जो दो टू है शॉपिंग को पिक तक कर सोनी पर, तो फिर क्या कहें, मतलब पहन के क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? आई थिंक टेली अवार्ड्स हमेशा खास ही होता है, बिकॉज एक ऐसी रात होती है जहाँ पे हम सब एक्टर्स को एक दूसरे से मिलने का चांस मिलता है, एंड ऑल्सो आई एम श्योर परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे अच्छे होने वाले हैं, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, आई थिंक टेली अवार्ड्स मैंने दो तीन बार होस्ट भी किया है, सो आई लव द शो बिकॉज आई थिंक इनकी टीम बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव टीम होती है, एंड वी ऑलवेज हैव फन। दिस इज आई थिंक द फर्स्ट ईयर की आई एम नॉट होस्टिंग वन पार्ट और वन सेगमेंट, लेकिन फिर भी मैं आई हूँ बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ द टीम। अंदर जाके फुल मस्ती करने वाली हूँ, आई थिंक काफ़ी टाइम से बहुत लोगों से नहीं मिली हूँ, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड यू विल सी मी अंदर, आई हैव फन। थैंक यू। एक्चुअली ये ड्रेस मैंने खुद डिज़ाइन की है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, बट आई हैव स्टार्टेड माई ओन फैशन लाइन, सो दिस इज फ्रॉम दैट, एंड द क्लच इज फ्रॉम लंदन फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड आनिया हाइनमैन। बहुत इम्पोर्टेंट है टुडे, होपफुली आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, होपफुली एक हसीना थी शुड विन सम अवार्ड्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सिमोन विनिंग अवार्ड, आई एम ऑल्सो होपिंग दैट वैशाली फ्रॉम उत्तर विन सम अवार्ड, सो आई एम हियर टू सपोर्ट बोथ ऑफ देम। सीटी का प्रैक्टिस, जोर से ताली का प्रैक्टिस और चिल्लाने का प्रैक्टिस करके आया हूँ मैं। चेक तो नहीं मिला है मगर बोली तो कर ही जाऊंगा मैं। मैडम समृद्धि जीवन ऑल ओवर इंडिया, हाय आपका नाम लाइव इंडिया समृद्धि जीवन 26 समृद्धि जीवन 26 26 September Live India will be doing a June submission, that donation drive. All of you all, please step forward and make your contribution. Thank you. थैंक यू। मैंने ज़ारा उमरीगर का ड्रेस पहना हुआ है, एंड आई एम लविंग इट। व्हेयर आर यू सपोज्ड टू लुक एक्चुअली? आज की शाम आपके लिए किस तरह से खास है इंडियन डेली अवार्ड्स? इंडियन डेली अवार्ड्स में फर्स्ट टाइम आ रही हूँ और मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है
just like an award function, so I'm looking out to have a good entertaining night. Never know, I mean, I've just started off now, so abhi dekhte hai kya hai, kya nahi. It all depends on what future has for me in the store. नहीं एक्चुअली डेजी यहाँ पे खुद एंटरटेन होने आई है. थैंक यू. Typical colors, what do I say about one? Typical, no, you are. Okay, well, thank you for the compliment. Yes, I'm sorry. ठीक है. हाँ अभी अफकोर्स आई कम हियर. दिस इज माई फर्स्ट टेली अवार्ड दैट आई एम अटेंडिंग एंड आई हैड अ ग्रेट एसोसिएशन विद कलर्स. सो आई वॉन्ट टू कम एंड सी हाउ द टेली अवार्ड्स आर. सो प्रॉब्ली आई थिंक आई एम हियर टू हैव अ गुड टाइम एंड आई विश एवरी वन इज नॉमिनेटेड ऑल द वेरी बेस्ट एंड दैट्स इट. अभी फर्स्ट अवार्ड फंक्शन अटेंड कर रही हूँ मैं कलर्स का, तो अफकोर्स आई एम एक्सपेक्टिंग गुड परफॉर्मेंसेज एंड good comedy and a great evening for myself and for the audience. Actually ye jo maine abhi pehna hai, this is ready made saree with Rohit Verma's collection. So I thought I've always worn gowns and western dresses, so I should try something Indian, and I guess that is the reason I chose this. Thank you. मैं बहुत थकी हुई हूँ क्योंकि मैंने बहुत ट्रैवल किया है और मैं किसी भी तरह से आ गई हूँ. मुंबई के ट्रैफिक ने हमें बहुत रोक के रखा है, तो या बट स्टिल वी कम विद अ बिग स्माइल ऑन आवर फेसेस एंड दैट्स व्हाट वी आर हियर टू एंजॉय. हालांकि इंडियन टेली अवार्ड्स का जो 10th एनिवर्सरी थी उसमें मैंने परफॉर्म किया था एंड आई थिंक दैट वॉज माई लास्ट परफॉर्मेंस ऑन इंडियन टेली अवार्ड्स एंड ऑन स्टेज एक्चुअली. सो इट वॉज एन्जॉयबल, मज़ा आ गया था करते हुए एंड इंडियन टेली अवार्ड्स के साथ अनिल जी के साथ बहुत क्लोज रिलेशन रहा है एंड आई रियली विश हिम ऑल द बेस्ट. नहीं मैंने कोई नॉमिनेशन नहीं है. नहीं मेरा मुझे मस्ती करने के लिए कुछ चाहिए नहीं होता है प्रॉप या कुछ. मैं ऐसी मस्ती में आई थिंक जो स्टेज पे परफॉर्म करने वाले वो ज्यादा मस्ती करने वाले. हम लोग नीचे बैठ के हम लोग और नीचे से हम उनको बूस्ट करेंगे. बूस्ट करेंगे.
I think I believe in being a performer, so I think the best performer. कुछ खास तैयारियां नहीं की हैं, बस ये कपड़ा था, थैंकफुली मेरे पास है, मैंने इसको पहन लिया और मैं आ गई। अलग अलग एक्टरों के लिए अलग अलग चीज़ें होती, प्रायोरिटीज़ होती हैं। मेरे ख्याल से अवार्ड्स मायने रखते हैं एक हद तक, बट मेरे ख्याल से एक मेरे लिए एज एन एक्टर ऑडियंस रिएक्शन ज़्यादा मायने रखते हैं, बिकॉज अवार्ड्स आते हैं जाते हैं, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन वन ऑफ द ग्रेट्स वो ग्रेट वर्क्स इन द वर्ल्ड दे आर स्टिल नॉट गिवन एन अवार्ड। लियोनार्डो डिकैप्रियो स्टिल नॉट वन एन ऑस्कर यार, व्हाट डू यू हैव टू से फॉर दैट? थैंक यू। मेरे लिए खास है बिकॉज मैं बहुत सालों बाद टेलीविजन पे फिक्शन सीरीज ड्रामा सीरीज कर रही हूँ, एंड फॉर मी इट इज़ वेरी स्पेशल टू बी बैक एंड बी सराउंडेड बाय ऑल माय ओल्ड फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स, एंड मैं नॉमिनेट भी हुई हूँ बेस्ट नेगेटिव परफॉर्मेंस की कैटेगरी में, सो ऑल ऑफ दीज मेक इट अ वेरी स्पेशल। खास तैयारी कुछ नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज आई थिंक आपको पता होगा डेली शोज करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है खास तैयारी के लिए, बट आई थिंक टच ऑफ नाइस रेड लिपस्टिक ब्राइटन्स अप एवरीथिंग। ये इयररिंग्स इज बाय डिज़ाइनर कॉल्ड राया, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस आर्ट डेको स्टाइल एंड हियर आई एम। मैं जब टीवी पे नहीं थी तब भी मैंने अपनी लाइफ बहुत इन्जॉय की, जब आप टीवी में हो डेली शो में तो पूरी लाइफ शूटिंग में ही चली जाती है, एंड आई एम रियली एन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट। थैंक यू। थैंक यू। आज शाम के लिए यही तैयारी है कि पहली बार मैंने साड़ी पहनी है अवार्ड्स में, हमेशा सीरियल में पहनती हूँ, बट दिस टाइम ऑन अवार्ड्स फंक्शन बिकॉज इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द आर्टिस्ट एंड आई एम ग्रेट, आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। परफॉर्मेंस से सबकी लुक फॉरवर्ड करूंगी, किसी एक का नाम लूंगी तो झगड़े हो जाएंगे, सो आई एम वेटिंग फॉर एवरीबडी परफॉर्मेंस ऑल आर माय फ्रेंड्स, सो लेट्स सी हु रॉक्स एंड कौन सबसे बेस्ट करता है। मैं बाद में बताऊंगी कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी थी। थैंक यू। फेसबुक मेरे फोन में कोई क्रिएटिविटी ऐप नहीं है, क्रिएटिविटी ऐप कोई होता है जिसमें हम लोग पिक्चर्स एडिट करते हैं और खूबसूरत लगना चाहते हैं, तो वही है इंस्टाग्राम जो मेरे फोन में। आ जाओ। How do you want to do this? Speak or not speak? जो भी चलो पहले चंदा कर लो फिर यू नो आज अगर सच बताए तो हम लोग शूटिंग कर रहे थे एंड फिर हमें याद दिलाया गया कि आज आना बहुत ज़रूरी है, तो मेरे तो कपड़े भी नहीं थे, मैंने सेट पे अपने कपड़े किसी से बोरो किए और किसी और के कपड़े पहन गया, उसका घर पास में तो उसने कपड़े पहन लिए, बट वी वर वेरी एक्साइटेड बिकॉज ITA वॉज द फर्स्ट अवार्ड वी गॉट लास्ट ईयर फॉर बेस्ट डेब्यू अवार्ड, सो इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू मी। जी कॉम्पिटिशन तो टफ होता ही रहता है हर साल एंड बट वी ऑल्सो कीप गेटिंग बेटर एवरी ईयर, दैट्स हमारी खास बात ये है, सो वील बीट द कॉम्पिटिशन। ऋत्विक, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग ऋत्विक, यार ही इज वेरी गुड। I think सारे अच्छे होंगे, why choose one? I think everything will be good. कहाँ इधर है कैमरा? सादे के साथ आ रहा हूँ। कोई और ही लगा हुआ है। चल shoot.
जी जी और बस 10 मिनट लगे सोचने में कि क्या बात है, टायर रॉन्ग में फाइंड करते हो, कुछ सही नहीं क्या डिफाइन करते, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रेस है और बस वही। मेरा काला सूट था एक्चुअली, उसका कलर निकल गया, भाई धोरी थी तो सफेद हो गया, बट या सो इसलिए एक सफेद हो गया काला। वैसी वाली वैसी वाली है, तुझे पता मेरे फोन पे क्या होगा? ऐसे सवाल मत पूछ, आप बताओ फोन पीछे छुपा रहे हो आप? यार मैं पॉडकास्ट का एप्लीकेशन यूज करता हूँ जिसमें, तो हाँ तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। क्या करना भैया? सर ये मुझे दिल की बात बोलूं, अवार्ड किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है मुझे मालूम नहीं, बट आई विश द बेस्ट विंस एंड टेली वॉज आई थिंक इट्स द 13th ईयर और अभी तो टेलीविजन इज बिकम सो स्ट्रॉन्ग कि सारे बॉलीवुड के एक्टर्स भी टेलीविजन में आ रहे हैं, सो टेलीविजन इज टुमारोज थिंग हैपनिंग इन दिस कंट्री। शक्ति भाई ने बताया एग्जैक्टली, टीवी इज ह्यूज और सारे लोग अब यहाँ से जुड़ चुके हैं, बहुत बड़ा बिग बॉस से मुझे भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द विनर जो भी रिजर्व। अच्छा एक्चुअली बिग बॉस में मैं भी था तो हम दो हम दोनों शरीफ आदमी बिग बॉस से आए। वो हर साल लौटेगा पर इस साल मैंने सुना है कि कपल्स लेके आ रहे हैं, मतलब मियाँ बीबी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कितने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टूटेंगे, कितने मियाँ बीवी वापस जुड़ेंगे, टूटे हुए मियाँ बीवी लेके आ रहे हैं, तो आई होप कि टूटे हुए मियाँ बीवी को साथ हो जाए। आपको क्या रहा? आप जाना चाहेंगे बिग बॉस के घर पे इस बार? मैं तो एक बार ही हो आया, दोबारा नहीं लेते हैं, इतना पैसा दे चुके हैं, दोबारा मौका हम दोनों को नहीं देंगे। कोई नहीं देख, जरूर देखेंगे सर, और ये तो मेरी जान है सर, मेरे छोटे भाई की तरह है, हम दोनों का साथ बहुत सालों से है और हमारा एक मित्र है राज सिप्पी, उसको हम हमेशा याद रखते हैं, तो हम दोनों को कभी मौका मिलेगा ये टकले की कसम छोटे पर्दे पर जरूर आएंगे। सर बिल्कुल नहीं होता है, अवार्ड के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ वोटिंग होती है वहाँ पकड़े जाते हैं। उनका जवाब यही देंगे। कम अगेन क्या बोले आप भाई? वो बोले कि प्रेफरेंस में हो और रिश्तेदारी में हो तो क्या उसका अवार्ड देंगे? पॉसिबल हो सकता है कुछ भी भाई, मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ तो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, मैंने इस पर गौर भी नहीं किया कभी, मैं पब्लिक के अवार्ड पे ज्यादा। हाँ ये एक ब्लड बैंक है, ब्लड डोनेशन के लिए, इतना तो याद नहीं होगा। 26 सितंबर समृद्धि जीवन रक्तदान, 26 सितंबर 26 सितंबर रक्तदान, रक्तदान शिविर, रक्तदान शिविर पूरे देश में ऑर्गेनाइज हुए हैं अवश्य। ट्रैफिक वाली डिटेल है, अलग अंदाज
जगह से आपको स्टेडी कई अवार्ड है और एक्सीलेंसी के अवार्ड दिया जाता है, तो भी बहुत अच्छा था। नहीं यार वो तो मान लिया, जो जिन जिन लोगों को अवार्ड मिलेगा जो विनर है तो वही लोग कमाल करेंगे। अभी तो खैर ऐसा प्लान नहीं, लेकिन अगर कुछ ऐसा कुछ अच्छा कुछ रहेगा तो डेफिनेटली प्लान करूँगा, अभी तो फिलहाल तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है। अवार्ड एक लाइक बूस्ट करता है एक्टर को उसके काम के लिए, अगर उसको नोटिस किया जाए तो डेफिनेटली उसको नेक्स्ट ईयर के लिए अगले साल के लिए एक एनर्जी मिलती है। अवार्ड मेरे लुक के बारे में मुझे तो जो मिला मैंने उठा के लिए आ गया। मैं मेरे शूटिंग्स में बिजी हूँ, मैं दूसरे मेरे असाइनमेंट हैं उनको पूरा करना पहले मेरे लिए बहुत जरूरी है। सब लोगों के पास खबरें होती हैं, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। सपोर्ट करना चाहिए बिकॉज टेलीविजन में बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारी प्रतिभा है। सो आई थिंक आई एम ऑल हियर टू सपोर्ट ऑल द टेलीविजन स्टार्स एंड आई होप दिस अवार्ड कंटिन्यूज फॉर मेनी मेनी ईयर्स एंड कंटिन्यू टू सेलिब्रेट ऑल द टैलेंट वी हैव प्रेजेंट इन द इंडस्ट्री। आई होप सो। मैंने ड्रेस पहनी है बाय मनीष मल्होत्रा एंड आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है एंड आई थिंक ज्वेलरी हर लड़की को हर इंडियन वुमन को बहुत अच्छी लगती है, सो मुझे भी बहुत पसंद है ज्वेलरी पहनना। क्या कहना चाहूँगा कुछ नहीं, मुझे सुनने में आया कि 24 ऑलरेडी वन फाइव अवार्ड्स, सो आई एम वेरी हैप्पी इट्स वन द बेस्ट वेक्टर एंड आई थिंक बेस्ट आर्ट डायरेक्शन बेस्ट फोटोग्राफी एंड अब शूटिंग में अलीबाग में शूटिंग कर रहा था इसलिए मैं लेट हो गया एंड आई जस्ट ड्रिवन डाउन स्पेशली फॉर दिस अवार्ड। सो आई हर्ड इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेड अवार्ड, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी ऑनर्ड दैट वी ऑल हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर दिस अवार्ड। और कुछ थैंक यू सो मच।
हाँ दूसरा सीजन कोशिश तो ये करेंगे कि पहले से बेहतर। थैंक यू गाइस। हाँ जी सी आई थिंक इट्स अवार्ड्स जो होते हैं वो डेफिनेटली मायने तो रखते हैं, ये तो अवार्ड्स होते ही नहीं, सही बात है कि नहीं सही बात, और अवार्ड चलते ही नहीं, और जो लोग कहते हैं कि नहीं मायने रखते हैं वो शायद झूठ बोल रहे हैं। थैंक यू गाइस। सो कम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज इंडियन टेली अवार्ड है। इंडियन टेली अवार्ड्स जो इनिशियल सबसे पहले टीवी इंडस्ट्री का जो अवार्ड शुरू हुआ था वो इंडियन टेली था, एंड इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं अनिल वर्वानी ने, ऑल द टीम दे आर वेरी क्लोज टू मी, तो मैं यहाँ इन्हें ऑल द बेस्ट कहने आई हूँ, तालियां बजाने आई हूँ जो अवार्ड जीतने वाले हैं। अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा, और इंडियन टेली अवार्ड और बहुत सारे अवार्ड ने टीवी को बहुत बड़ा बना दिया है, बिगर देन फिल्म इंडस्ट्री, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम एंड कंग्रेचुलेट। एवरी टाइम आई कम इट्स अ डिफरेंट मेमोरी, बस यही सोचती हूँ एक दिन मैं अवार्ड लेके जाऊंगी, बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। इट्स अ वेरी इंडियन ड्रेस, रितू दोवरा हैज डन दिस थिंग, एंड जब भी अवार्ड फंक्शन होते हैं आई प्रिफर वेयरिंग इंडियन ड्रेस, सो आई बहुत मायने रखता है एक कलाकार के जीवन में अवार्ड और पुरस्कार से, इनको और एनकरेजमेंट मिलता है, ऐसा लगता है कि और अच्छा काम करें और मेहनत करें, और ये सब चीज़ से यही होता है कि इस बार तो मैं अवार्ड लेके ही जाऊंगी और मैं करूंगी, इसलिए वो ज़्यादा बात करता हूँ। ऐसा तो मैंने सुना नहीं कभी। इट्स वेरी सैड बिकॉज शॉर्टकट अपनाने से अच्छा है तो तुम मेहनत करो, थोड़ा कमाओ लेकिन इज्जत से कमाओ, दैट्स व्हाट आई थिंक। खास इसलिए क्योंकि सूट बूट पहनने का मौका मिलता है और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आने का मिलता है, मौका मिलता है, और 13th है ना, 13th टेली अवार्ड्स है, और आई थिंक इट्स माय फेवरेट नंबर, लकी नंबर रहा है हमेशा मेरे लिए, सो यहाँ पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज होने वाली हैं, सो वी जस्ट गोना गो देयर एंड चिल एंड एंजॉय द परफॉर्मेंसेज। नहीं एज ऑफ नाउ तो कुछ भी नहीं है, नो नॉमिनेशन, नो स्टेज परफॉर्मेंसेस, बस आज हम ऑडियंस बनकर आए और देखेंगे शो। अपनी एक नई पहचान से लाइक क्रिस्टल नॉमिनेटेड है। अच्छा तो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, लेट्स सी। ऑन स्क्रीन बीवी के लिए कहना चाहूँगी बहुत सारी दुआएं हैं उसके साथ मेरी, और मैं चाहूँगा कि वो जीते, और लेट्स सी क्या होता है। टेली अवार्ड्स एक्चुअली पता नहीं मैं जब पहले आया हूँ, नहीं आई थिंक आई एम कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ, और लाइक टेली अवार्ड्स हर बार की तरह मुझे लग रहा है इस बार भी काफ़ी ग्रैंड होने वाला है, और लेट्स सी क्या होता है, क्या धमाल होने वाला है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मस्ती तो भाई हम लोग कर लिए आए, ऑफ स्क्रीन बहुत मस्ती करते हैं, ऑन स्क्रीन का मौका नहीं मिला ना, हाँ अभी अंदर क्या मस्ती करेंगे, आई थिंक वी जस्ट हैव टू गो एंड सिट एंड चिल एंड एंजॉय द परफॉर्मेंस, दैट्स इट। थैंक यू। ओके मेरी भाई गवाते हैं, सिखाते हैं, और बचपन